लोकसभा चुनाव 2019 का सियासी रण अब अपने चरम सीमा पर है और इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सपा बसपा गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव के चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस और भी गहराता चला जा रहा है। दरअसल तेज बहादुर यादव ने पहले निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने के बाद सपा के उम्मीदवार के रूप में दोबारा पर्चा भरा था। इन दोनों नामांकन पत्रों के शपथ पत्रों में उन्होंने नौकरी से बर्खास्त किए जाने को लेकर दो अलग अलग दावे किए हैं। इसे लेकर ही यादव को नोटिस जारी हुआ है। इस मामले के संज्ञान में आने पर वाराणसी के जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने तेज बहादुर यादव को नोटिस जारी करते हुए 1 मई यानी आज दिन में 11 बजे तक का समय दिया था। सुरेंद्र सिंह ने तेज बहादुर से अपने दावे के समर्थन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। तेज बहादुर को 1 मई यानी आज बुधवार के दिन में 11 बजे तक दिल्ली में स्थित भारत निर्वाचन आयोग से प्रमाण पत्र जारी करा के लाना था। बताया जा रहा है कि तेज बहादुर ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किए गए शपथ पत्र के भाग संख्या 3 क के क्रमांक संख्या 6 में पूछे गए सवाल, क्या अभ्यर्थी को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने के दौरान भ्रष्टाचार के कारण या अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, के जवाब में कहा था कि हाँ, 19 अप्रैल 2017 वहीं सपा प्रत्याशी के तौर पर दाखिल शपथ पत्र में उन्होंने लिखा है कि गलती से प्रथम नामांकन पत्र के भाग संख्या 3 क के क्रमांक 6 में उन्होंने नहीं की जगह हाँ लिख दिया है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि उन्हें 19 अप्रैल 2017 को बर्खास्त किया गया था, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार जैसे मामलों में पदच्युत नहीं किया गया है। तेज बहादुर यादव के दो अलग अलग दावे को देखकर आशंका यही लगाई जा रही है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा उनका नामांकन कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब देखना यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन तेज बहादुर यादव का नामांकन पर्चा कैंसिल करती है या फिर नहीं। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।